नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की राजनीतिक ताकत बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि ये ताकत उन्हें उनकी जनता से मिल रही है। हर कोई देख रहा है कि कैसे राहुल मोदी के झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। ऐसे में क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी राहुल की ताकत देखकर पलटी मारेंगे? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राहुल के एक मुद्दे पर नीतीश की पार्टी ने उनका साथ दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मामला लेटरल एंट्री का है। ये मुद्दा सबसे पहले राहुल गांधी ने ही उठाया था, जिसके बाद से हर कोई लेटरल एंट्री पर बात कर रहा है और बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। इसी बीच इस मुद्दे पर राहुल को नीतीश की पार्टी जेडीयू का साथ मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने मोदी के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है, हमारी पार्टी शुरू से ही सरकार से आरक्षित सीटों को भरने की बात कहती रही है। हम राम मनोहर लोहिया को मानते हैं। जब लोगों को सदियों से समाज में पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा तो आप मेरिट क्यों ढूंढ रहे हैं? सरकार का ये आदेश गंभीर चिंता का विषय है। आगे केसी त्यागी ने कहा, इस तरह के फैसले लेकर सरकार विपक्ष को मुद्दा दे रही है। जो लोग एनडीए के विरोधी हैं, वे इस विज्ञापन का दुरुपयोग करेंगे। राहुल गांधी पिछड़ों के चैंपियन बन जाएंगे। हमें विपक्ष के हाथ में हथियार नहीं पकड़ाना चाहिए। अब इसके बाद से कहा जा रहा है कि लैटरल एंट्री को लेकर मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का साथ नीतीश की पार्टी ने दिया है, क्योंकि इसी मुद्दे पर केसी त्यागी कह रहे हैं कि यह फैसला गलत है, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक के पदों पर भर्ती के लिए यूपीएससी ने लैटरल एंट्री का नोटिफिकेशन जारी किया है। मोदी सरकार 2019 में सरकारी कामकाज के लिए एक नया तरीका लेकर आई थी, जिसको लैटरल एंट्री कहा जाता है। इसे भर्ती 2019 में पहली बार की गई थी और अब इसे बड़े पैमाने पर दोहराया जा रहा है। लैटरल एंट्री के बारे में आपको बताए तो इसके जरिए सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी सरकारी नौकरशाही में ला सकती है। इसी का विरोध राहुल गांधी कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि इससे आरक्षण खत्म किया जा रहा है। मोदी ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीनना चाहते हैं। ये आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। अब क्योंकि उनकी पार्टी भी इसी मुद्दे पर मोदी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ है, इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या पलटी मार सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार पलटी मारने में एक्सपर्ट है, तो क्या एक बार फिर से वो मोदी की सरकार गिराएंगे राहुल गांधी के साथ आकर? खैर, ये तो केवल सवाल है। आपको भी बता दें, राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। राहुल गांधी लिखते हैं, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लैटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने आगे लिखा, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। चंद कॉर्पोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण, आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। तो कुछ इस तरह से राहुल को नीतीश कुमार की पार्टी का साथ मिला है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस खबर पर? आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।